अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो ये देखे, आज मैं राशन ले आई फिर से। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या क्या लाई। सबसे पहले तो मैंने ये डब्बा ख़रीदा और ये बीज भी ख़रीदे। थैली फट गई थी मेरी इसकी, मैंने कहा मैं ये डाल दूँ। ये देखो कीमत, देखे डब्बे की, 20 रुपये का मैंने ख़रीदा ये डब्बा। सही है। और क्या नाम से, ये भुने हुए हैं, जैसे नमक वाले नहीं है। नमक वाले मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये सादे वाले लिए। बड़े मज़े के होते हैं, बड़ा अच्छा होता है। ये लिया सबसे पहले मैंने, ये देखो एक बार डब्बे में डाल के दिखा रही हूँ। और पता मैंने क्या लिया, ये तुर्किश झाड़ू है। ये ऐसे से दिख रहा है ना। हाँ, ये मैंने लिया है। तो ये मैंने 80 रुपये का लिया है। देखो तो ज़रा, इतना महंगा होता है। और कालीन में झाड़ू लगाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा अच्छा होता है। जैसे हमारी तरफ वो जो बोलते हैं ना, तिली वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू, ऐसे जो बोलते हैं, ये वो नहीं है। इससे ना कालीन में जैसे अच्छी तरह से झाड़ू लग जाता है, ऐसे नया है। अच्छा, अभी तक मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, अभी लाई हूँ। हाँ, फिर आप बोलोगे कि पुराना दिखा रही है, सब्जियाँ भी रखनी है यहाँ पे। सही है। तो मैंने ये झाड़ू भी ख़रीदा, देखे कितना अच्छा है, कितना बड़ा मजबूत वाला। ऐसे हल्के वाले भी है, मैंने ये लिया। यहाँ से देखे, ऐसे इन्होंने ऐसे करके दिया ताकि ना जैसे खुले नहीं। ये देखा ना, ये लिया मैंने, एक झाड़ू लिया। और मैंने क्या लिया, हाँ, और देखे ये मैंने लिए फिर से वही रूटीन वाली सब्जियां थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि मैं बाज़ार में गई, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लेना। सही है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया करें, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। तो ये देखे, ये बैंगन भी ले आई मैं। बैंगन किलो दिया मुझे, 10 का दिया, 15 का दिया, पता नहीं, मैं भूल गई थी। और ये देखो, ये खराब भी निकल गया है क्या, इतनी देख देख के लग ले रही थी, फिर भी चूक गया, देखो तो ज़रा। हाँ, ये बैंगन लिया मैंने। और मैंने